हाय, मैं हूं संदीप सिंह, इंडियन हॉकी एक्स कैप्टन अर्जुन अवॉर्डी। आप मुझे देख सकते हैं इंडिया टाइम्स पर। हॉकी में एक ही चीज रहती है कि जीतना है, देश के लिए खेलना है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए हर किसी को अलग अलग रूप से बात करके, जितना हम प्लेयरों के इंडिविजुअली वन ऑन वन बात करेंगे, उतना ज़्यादा कैप्टन की लीडरशिप का जो एक फोकस होता है, मोटो होता है, वो क्लियर होता है। तो मेरा काम सबसे पहले यही होता था कि मैं प्लेयरों को हर दिन लड़कों को मिलूं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझूं, क्या वो प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो तभी आती है जब आपको प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है और वो बोलता है फिर भी उससे कोई सुनता नहीं है। अगर आप उससे प्रॉब्लम होने से पहले ही आप पहुंच जाओ कि आपको क्या जरूरत है, क्या मांग है आपकी, आप क्या चाहते हैं और कैसे डेवलप हो, उस चीज़ को जब आप बात करोगे, डेफिनेटली आप एक अच्छा लीडर बन जाओ। देखिए, मेरी अपनी लाइफ में मैं फेलियर को सबसे बड़ा फेस जो किया कि जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे मतलब साथ खड़े होते थे मेरे अच्छे टाइम में, वो सब भाग गए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे फेलियर ने सिखाई कि किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करते। तो मेरा पहला लेसन था फेलियर के टाइम, मुझे अपने आप पर बिलीव करना था। बिलीव करने के बाद मेरे अपने अंदर से मैंने अपने आप को नेगेटिव जो मेरे अंदर वाइब्स थी उसको निकाला और मुझे क्या करना है, किस वे तक जाना है और कैसे अपने आप को सामने लोगों के लेके आना है, तो उस चीज़ के ऊपर सोचने की मुझे शक्ति दी। मैं एक चीज़ सोचता हूँ जब भी फील्ड पे उतरता हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ जब मेरी फील्ड की ट्रेनिंग ख़त्म होने लगती है और टायर्ड होता हूँ मैं, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मेरा जो ओपोनेंट है, मैं इंडियन प्लेयर्स को ओपोनेंट नहीं बनाता हूँ, मैं जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं उसको ओपोनेंट सोचता हूँ कि वो अब ट्रेनिंग कर रहा होगा, अगर मैं अभी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा या मैं टायर्ड हो गया तो ट्रेनिंग छोड़ दूंगा तो वो मेरे से जीत जाएगा। तो मैं हमेशा यही सोच के चलता था कि इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान या इंडिया वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, संदीप वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया, संदीप वर्सेज़ पाकिस्तान होना चाहिए।